यूजीसी ने फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण यूनिट एनवायरमेंट से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड पर चर्चा की जाएगी। नेट के एग्जाम में 2 से 3 बार ये देखा गया कि इस पर प्रश्न पूछा गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड ये क्या है। तो ये भारत और पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक पक्षी है। 2018 के मुताबिक अब तक इनकी संख्या 150 रह गई। इससे पूर्व 2011 में इनकी संख्या 250 थी और अब ये घटकर के 150 रह गई। अब इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है और ये काफी चिंता का विषय है। IUCN के अकॉर्डिंग इसे दुर्लभतम प्रजातियों में रखा जाता है। दुर्लभतम यानी कैटेगरी क्रूशियली रेस्ड कैटेगरी। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी से स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स सेट थ्रू क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, एरिया ऑफ ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिग्री ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेगमेंटेशन। अभी नहीं, 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। उनके स्तर के अनुसार उनकी इस प्रकार से उनकी संख्या कम हो रही है लगातार। उनकी संख्या जैसे जैसे कम हो रही है और उनके कई ऐसी चीजें उनके नेटिव के आधार पर, उनके रहने के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन साइज, उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इन्हें 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ पर मैं 9 श्रेणियों का वर्णन करूंगा। पहला है एक्सटिंक्ट। एस्टिंक्ट का मतलब है नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। वर्तमान में दुनिया में एक भी जीव इस कैटेगरी का नहीं बचा। अब एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंतर्गत देखा जाए तो एक पक्षी मुझे याद आता है, जैसा कि इंडिया पोस्ट, आप जब डाक विभाग में डाक करने जाते हो तो एक आप स्पीड पोस्ट वगैरह करते हो तो एक रसीद मिलती है जिसमें कुछ आपको इस प्रकार की 3 धारियां वाला एक सिंबल मिलता है और नीचे इंडिया पोस्ट लिखा रहता है। अब ये जो सिंबल है एक्चुअली ये एक एक्सटिंक्ट प्रजाति की का आइकॉन है, सिंडे डक, जिसका नाम है सिंडे डक। सिंडे डक वास्तव में आज से 150 साल पहले भारत में काफी ज्यादा पाया जाता है। सर क्या नाम बताया सर, एक बार स्पेल कर दीजिए। सिंडे डक, सिंडे डक, SYNDAY सिंडे और डक DUCK। सिंडे डक है वो, हाँ, भारत में बहुत आयत पाया जाता था। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई, शिकारियों ने इसे शिकार कर करके इसे एंड कर दिया और ये लगभग आज से 50-60 साल पहले तक भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मीडिया, लेकिन इसके बाद अभी बिल्कुल लुप्तम प्रचार, यानी अभी दुनिया में है ही नहीं, नॉन इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल अब नहीं बचा। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है एक्सटिंक्ट टू वाइल्ड, नॉट ओनली टू सर्वाइव इन कैपेसिटी और एज ए नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड हिस्टोरिक रेंज। शायद कहीं हो सकता है या ऐतिहासिक रूप से कभी कोई कहीं किसी ने बताया कि एक आध स्पीशीज कहीं देखी, यानी ये भी मान सकते हैं कि विलुप्त हो गया है, लेकिन शायद मिल सकती है, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, इसलिए एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में रखा जाता है। और काफी जैसे आप पोलर बियर को ना, तो पोलर बियर्स जनरली एक्सटिंक्ट ही मान लिया जा रहा है, काफी वर्षों से नहीं देखा गया, लेकिन कभी कभार एक दो कोई प्रजाति कहीं किसी ने देखा या बताया तो इस प्रकार से ये मान लिया जाता है शायद कहीं बची हो। नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैपेसिटी,
और एज नेचुरलाइज पॉपुलेशन आउटसाइड हिस्टोरिकल रेंज, कहीं किसी को प्राकृतिक रूप से कहीं कोई इनकी जनसंख्या पड़ी। इसके बाद तीसरा कैटेगरी आता है क्रूशली क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सीआर कैटेगरी जिसे कहा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, यानी लगभग खत्म होने की कगार पे, हाशिए पर है, हाशिए नहीं बस मार्जिन पे है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड की चर्चा की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड लगभग एंड हो, अब इनकी संख्या गिरती जा रही है। 2011 में ये 250 थे और आज इनकी स्थिति है कि दे आर जस्ट 150 इन रेंज, जिनमें लगभग 100 के आसपास राजस्थान, जो मुख्य जगह पे राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाए, वो भी प्रिजर्व्स और रिजर्व्स पास सिक्योर करके रखा, इनका ग्रोथ किया जाए, उस दृष्टिकोण से ये पाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से अन्य जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्थिति में आ रहे हैं। चौथी कैटेगरी की बात करें वल्नरेबल, हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड, ये हाई रिस्क पर जा रहे हैं और आने वाले समय में ये खत्म होने की संभावना है, धीरे धीरे एंड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विशेष प्रकार की प्रजाति, चीते की प्रजाति, वो धीरे धीरे अब वल्नरेबल हो रहा है, एंड होने की स्थिति में पहुंच गई। पांचवा कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड। सर एक क्वेश्चन है सर, हेलो सर, सर जैसे जो इनका जो वजह से बताया आपने विशेष प्रजाति है, जैसे कि एक्सटिंक्ट है या वल्नरेबल, इसमें कुछ पर्टिकुलर नाम भी पूछ सकते हैं इस प्रजाति के अंतर्गत जो कौन सा पक्षी आता है जो विलुप्त है? That I have mentioned here. Okay, so don't worry. I have mentioned here the examples of endangered species. Generally, endangered species को पूछा जा सकता है, और वो मैंने mention किया है। जितना पूछा जा सकता है, मैं उसके हिसाब से यहाँ पर जरूर आपको notes में provide करूँ। ठीक जी। Near threatened. अब near threatened likely to become endangered in the near future. आने वाले भविष्य में ये खतरा है। आने वाले भविष्य में इनकी खत्म हो जाने की स्थिति दिख रही। अब अगर हम कहें तो आप गिद्ध को देखिए, वो धीरे धीरे अब दिखना बंद हो गए। कौवे, क्रोज, आप अभी बाहर निकल जाइए, आपको गिद्ध तो दिखाई नहीं देगा, कौवा शायद इक्का दुक्का दिख जाएगा। अभी अभी हाल की बात है, एक उनके यहाँ श्राद्ध था, मैं उसमें गया था, तो श्राद्ध के लिए उन्होंने कौवे के लिए जो भोजन होता है वो निकाला, और ये हुआ कि इसे कौवे को खिला दिया जाए या गाय को खिला दिया जाए, और उसके बाद घर के बाहर रख दिया गया। ये हुआ कि कौवा और गाय खा ले तो फिर बाकी लोग खाए ना, गाय तो मिल गई, गाय मिल गई और गाय ने खा लिया, बट जनरली कौवा नहीं दिखा, वो कौवे के लिए पड़ा रहा लेकिन कौवा कोई दिखाई नहीं दिया, अंत में उसे आसपास के मवेशी खा गए, कुत्ते वगैरह खा गए। ईयरफोन लेके आओ पापा को। हाँ, धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और ये जो है इकोसिस्टम के लिए खतरा है, जैव तंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि गिद्ध है वो सड़े हुए मांस खा जाएगा, कौवा है सड़े हुए मांस खा जाएगा, और जो जीव पक्षी मर गए उनके एक प्रकार से सफाई इन्हीं के मांस, और अगर इनकी संख्या घटेगी तो ये जीव पक्षी
सड़ेंगे और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपेंगी, बैक्टीरिया, वायरस और जो कि नुकसानदायक है। कहीं ना कहीं से आज जो हम लोग कोरोना जैसी समस्या में गुजर रहे हैं, ये प्रकृति में किसी प्रकार का छेड़छाड़, इकोसिस्टम एक प्रकार से देखा जाए तो इम्बैलेंस हुआ है, कुछ प्राकृतिक इम्बैलेंस का ही परिणाम है जो आज हम ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रकृति में अगर आती है तो उसके पीछे, प्रकृति में उसके होने का पीछे देयर माइट बी सम रीजन। लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार विकास की गतिविधि में कार्बनाइजेशन, कार्बन की मात्रा का बढ़ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, इनोवेशन, इनोवेशंस के दृष्टिकोण से नए नए प्रकार के रिसर्च, ये कुछ ऐसे ही प्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ का परिणाम एहसास होता है और ये इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। और अगर इकोसिस्टम ऐसे ही हार्म होता रहा तो हम पूरे जीवन ऐसे ही विभिन्न समस्याओं से जूझते रहेंगे और मनुष्य का विकास मंद हो जाएगा, मनुष्य का विकास बाधित हो जाएगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज को और स्टडी करा जाए, उनकी और श्रेणी को देखा जाए, नाउ छठा जो कंसर्न है यहां पर वो है लीस्ट कंसर्न। यानी इस कैटेगरी के अंतर्गत लोवेस्ट रिस्क डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर एट रिस्क कैटेगरी। यानी इन जीवों को बहुत लोवेस्ट रिस्क, इनकी संख्या इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं लगेगी, ये रिस्क में है। सातवां यहां पर है डेटा डेफिशिएंट। अब इनकी डेटा कम, नॉट इनफ डेटा टू मेक एन असेसमेंट। यानी डेटा डेफिशिएंट का मतलब हो गया कि इनकी डेटा एसेस करने की जरूरत नहीं है, इनकी डेटा एसेस करने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। और आठवां ग्रुप जो है यहां पर रखा जाए नॉट इवैल्यूएटेड, अभी तक इन्हें काउंट नहीं किया गया, दे आर नॉट इज काउंटेड, दे आर नॉट काउंटेड टिल नाउ, तो इनको अभी तक काउंट नहीं किया गया। तो ये लिस्ट बनाई गई IUCN द्वारा। IUCN के ऊपर मैं और डिटेल आपको नेशनल पार्क के लिस्ट और एक राष्ट्रीय उद्यान दैट इज सेंचुरीज के अंतर्गत दूंगा, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ चर्चा ही करता हूँ। मुझे बताइए कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है? अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज? Would you? What is national park and sanctuaries? राष्ट्रीय उद्यान। सर सेंचुरी में स्पेसिफिकली कुछ लोगों को, कुछ एनिमल्स को करा जाता है, मतलब स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए होती है वो, और पार्क में आपको सभी तरह के एनिमल्स देखने, एनिमल और बर्ड देखने को मिलते हैं, रखे जाते हैं, वो मेंटेन करा जाता है। और जो सेंचुरीज हैं वो ऑलमोस्ट नेचुरली होती हैं और उनको थोड़ा सा मेंटेन करा जाता है। जिस एरिया में, जंगल में जैसे कोई डायनासोर्स और ये सब रह रहे हैं, उसी एरिया को थोड़ा सा रेनोवेट करके और उन पर्टिकुलर, मतलब डिनोटेड होती हैं कुछ एनिमल्स के लिए। अच्छा, और कोई स्टूडेंट्स हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज में डिफरेंस बताएं? ओफो, देखिए नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज यानी अभयारण्य। सेंचुरीज नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, अभयारण्य, अभय यानी सुरक्षित, प्रिजर्व, रण्य यानी जंगल, यानी उन जंगलों को प्रिजर्व कर दिया गया।
तो प्रकृति में बड़े बड़े अपरंड हैं यानी जंगल हैं और उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड किया गया ताकि उसमें मानव जाकर अपना हैबिटेट ना बनाए, ह्यूमन का इंट्रूजन उसमें ना हो जाए, मानव उसमें जाकर के अपने निवास घर ना बनाए, कोई कॉलोनी ह्यूमन की वहां ना बने, ताकि ये जंगल सुरक्षित रहे और जंगलों का विकास हो, उसमें पाए जाने वाले स्पीशीज प्रजातियां अपना नेचुरल डेवलपमेंट करते हैं, मानव का हस्तक्षेप उसमें ना हो, अवैध गतिविधि ना हो, शिकार ना हो, इसके लिए बॉर्डर बीएसएफ के जवानों को नियुक्त करके उस पूरे जंगल को प्रिजर्व कर, इसे कहेंगे अभयारण्य। लेकिन अब ये देखा गया कि इसके बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो धीरे 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 वहां मानव का इंट्रूजन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जा रही है और कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक एरियाज में पाए जाने वाले स्पेसिफिक जीव जंतु समाप्त होने की कैटेगरी पे पहुंच, तो उन्हें विशेष प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करने की जरूरत, उन जीवों को जो अब वहां सर्वाइवल में जिनको मुश्किल हो रहा है उनको विभिन्न प्रकार के संसाधन देने की आवश्यकता। तो जो अभयारण्य है, सपोज करिए कि एक अभयारण्य सेंचुरी, इसमें कुछ क्षेत्रों को प्रिजर्व कर उसे नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया ताकि स्पेशली उन जीवों को प्रिजर्व किया जाए, यानी वहां पर लाकर के उन जीवों का प्रोसेसिंग किया जाए, प्रोसेस किया जाए, उनका एनरिचमेंट किया जाए, उनको संसाधन दिया जाए, भोजन दिया जाए, जिससे कि उनकी संख्या अगर घट रही है तो उसको मेंटेन किया जाए, उनके लिए विशेष रूप से डॉक्टर रखा जाए, तमाम प्रकार की सुविधाएं दिया जाए जिससे कि वो विशेष प्रजातियां ना खत्म हो। अब इसके लिए पूरा एक प्रकार से जैसे आप पार्क देखते हैं कि पार्क एक जू में जाते हैं तो जंगले देखे और छोटे छोटे उसमें जीव जंतु लगते हैं, तो यहाँ पर पूरा उनको प्राकृतिक माहौल प्रदान करके पूरी तरीके से उसको सुरक्षित करके वहां पर जीवन की तमाम सुविधाएं प्रोवाइड किया। सपोज करिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो पहले वो सेंचुरीज था, बाद में से नेशनल पार्क बदल दिया। अब वहां पर जो टाइगर्स हैं जो धीरे धीरे डेड हो रहे हैं उनकी संख्या करके उनको बकायदे प्रिजर्व करके उनको जो टाइगर्स बूढ़े हो गए उनकी संख्या ना घटे उनको भोजन पानी करना, एक छोटा शावक जन्म लेता है तो तुरंत ही उसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था करना, उसको प्रोटेक्ट करना, पहले उसे ग्रो कर देना, जब वो मजबूत हो जाए तो उसे ले जाकर अभयारण्य में छोड़ देना ताकि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके और उस पर निगरानी करते रहना ताकि उस पर कोई भक्षण उसका कोई भक्षण ना करे। इस प्रकार से उन्हें प्रोटेक्शन देना, उस प्रकार से उनका पालन पोषण करना, विकास करना, इसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क वास्तव में सेंचुरीज के कुछ हिस्से जिन्हें विशेष सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निर्मित किया जाए उसे कहेंगे। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, यस सर। जी सर। यस सर। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किया है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अब देखिए, देयर आर सो मच एग्जांपल्स, बहुत कुछ है, बट हम कितना लर्न कर सकते हैं, हम कितना याद कर सकते हैं, कितनी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, तो हम जितनी चीजें याद कर सकते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं उन्हीं को नोट्स के अंतर्गत बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है चिंचिला लैनी जेल, दूसरा जायंट कैटफिश, तीसरा इब्रियन लायंस, चौथा कश्मीरी स्टैग, बारह सिंघा सुना होगा, कश्मीरी स्टैग बारह सिंह वाले डियर हिरन, पांचवा वन हॉर्न होगा वन हॉर्न राइन, छठा रेड पांडा, सातवां स्नो लिपर्ड और आठवां है टाइगर फैन। तो ये मैंने कुछ आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज के विषय में छोटी सी सामान्य सी जानकारी यहाँ पर दी।
ये डॉक्यूमेंट्री है, छोटी सी नॉलेज राजस्थान में इसका नाम है गुड़ावन और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कन्नौज, इस तरह के नाम भी इसके कुछ है। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन नेम है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और मैं कई जगह आगे लेक्चर में जी आई डी के नाम से। तो इस बर्ड की खासियत ये है कि ये काफी बड़ा होता है साइज में और एक आम चिड़िया की तरह नजर नहीं आता। ये काफी बड़ी साइज में, इसकी हाइट अप टू 1 मीटर या उससे भी ज्यादा, कई बार 1.2 मीटर तक भी इसकी हाइट होती है, और इसका भार भी होता है लगभग 11 से 14 किलो तक इसका वेट हो सकता है। और इसकी खास बात ये कि इस पर ये काले स्पॉट्स नजर आते हैं, ये इसकी पहचान है। जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको इसके शरीर में नजर आ रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रिच के जैसा दिखता है, और ये बहुत ही भारी चिड़िया है लेकिन फिर भी उड़ सकता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कई लोगों में कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। जी नहीं, ये उड़ सकता है, लेकिन हाँ इसकी फ्लाइट बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लंबी दूरी तय नहीं करता, हजारों किलोमीटर की, केवल कुछ किलोमीटर के दायरे में ही उड़ के वापस आ जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा से बहुत ही फेमस पक्षी रहा है, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में इसका जिक्र मिलता है, चाहे वो मुगल्स हो चाहे वो ब्रिटिश हो, सभी ने इसके बारे में अपने अपने अकाउंट्स में लिखा है, यानी कोई ऐतिहासिक किताबें हैं उसमें इसका जिक्र हमें मिलता है। और जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके शिकार के बहुत शौकीन थे, तो जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो उस वक्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन जगहों पर मिलता था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे उपमहाद्वीप में और पाकिस्तान और भारत जो आज का एरिया है वहां पर जो डेजर्ट रीजन है उस पूरे क्षेत्र में ये पाया जाता था। लेकिन इसका इतना शिकार किया गया, खास करके ब्रिटिश टाइम्स में इसका बहुत शिकार हुआ, क्योंकि ब्रिटिश वैसे भी देखिए कल्चरली बर्ड्स के बहुत शौकीन होते हैं, बर्ड्स का शिकार वहां पर एक कल्चरल ट्रेडिशन है इंग्लैंड में, तो यहाँ पर भी वो फॉलो किया जाता था। तो इसका जो नॉर्मल हैबिटेट है वो मोस्टली राजस्थान बचा है, 90% जो बर्ड्स हैं वो जीआईडी के राजस्थान में पाए जाते हैं, और दूसरे राज्यों में भी जहाँ ये मिलता था वहाँ ये इस तरह की जमीन प्रेफर करता था, श्रब लैंड, यानी कि देखिए खेत नहीं है यहाँ पर, किसी तरह की कोई खेती नहीं है, इस तरह के कटीले झाड़ है, श्रब्स देखने को मिलेगी, रेतीला एक पठार जैसा एरिया है, पथरीला, इस तरह के एरियाज में ये मिलता था, या फिर रेत वाले टीले है जहाँ पर आपको पीछे टीले नजर आ रहे हैं, इनके बीच में ये अपने अंडे देता है। इसके लिए बहुत ही सेफ जगह होती है इन टीलों के बीच में अंडे देना, क्योंकि इसका जो घोंसला है वो पेड़ पर नहीं बनता है, ये जमीन पर ही अंडे देती है ये चिड़िया, इसीलिए इसको आबादी से थोड़ा सा दूर रहना होता है, इंसानों से ये दूर रहना पसंद करती है, मेनली फॉर सेफ्टी ऑफ इट्स एग्स। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, हमारे भारत देश की भी पिछले 100 सालों में आबादी अगर आप देखेंगे तो 5 गुना बढ़ चुकी है पूरे महाद्वीप की आबादी, तो जमीन कम होती जा रही है जहां पर इन चिड़ियाओं को एकांत मिले, जहां पर इन्हें आबादी से दूर कोई क्षेत्र मिले। तो इस तरह के सीन बहुत ही रेयर हुए हैं, इनफैक्ट इसके पिक्चर्स इतने रेयर हैं कि यहाँ पर देखिए आप लगभग 7 GIBs एक साथ दिख रहे हैं, तो इतने बस्टर्ड्स एक साथ तो देखे ही नहीं जाते हैं। 2013 में आखिरी बार 25 एक साथ देखे गए थे, जो राजस्थान में एक फॉरेस्ट ऑफिसर है उन्होंने 25 एक साथ देखे थे 2013 में, उसके बाद से इतनी बड़ी साइटिंग्स हुई ही नहीं है। तो ये एक टेरेस्ट्रियल बर्ड है मोस्टली, लेकिन याद रखना उड़ सकता है, ये 1 साल या 2 साल में केवल एक अंडा देता है, ये भी इसकी आबादी घटने का एक बहुत बड़ा रीजन है, और इनमें से भी केवल 60-70% सक्सेस रेट होती है, और जो अब घटकर 40-50% हो चुकी है, क्योंकि जैसे पॉक्स है, डॉग्स है, ये इनके अंडों को खा जाते हैं, तो इसलिए इनसे भी खतरा बना रहता है। मैंने आपको बताया ये अंडे जमीन पर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके अंडों को काफी थ्रेट रहता है, तो इतना कम प्रजनन दर और साथ ही साथ जमीन और इनका हैबिटेट सुगुड़ना, ये सबसे बड़ा कारण है इनकी जनसंख्या कम होने के पीछे। तो 1980 के दशक तक भी आबादी ठीक ठाक थी, 1500-2000 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते थे भारत में, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के राज्यों में, लेकिन इनकी हंटिंग बढ़ती गई, ग्रासलैंड कम होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन इनकी कम हो रही है। 2011 में इनकी आबादी इतनी कम हो गई कि IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा था, यानी एक्सट्रीम इन द वाइल्ड से। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया गया था जीआईडी के ऊपर, उसमें इनका कहना है कि अब केवल 150 बर्ड्स बची हैं जो इन्होंने लास्ट काउंट किया था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, बिना गूगल के बताएंगे तब मजा आएगा, गूगल करके तो कोई भी बता सकता है। तो WIA की रिपोर्ट में कहा गया कि 90% जो बर्ड बचे हैं वो राजस्थान और गुजरात में है, गुजरात में भी बहुत कम है, इनफैक्ट मोस्टली राजस्थान में ही है, और इनकी जो डेथ रेट है वो 15% एनुअली है ड्यू टू हाई वोल्टेज पावर लाइन्स। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो इससे रिलेट करती है, वोल्टेज लाइन्स से। तो इस वक्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्रेजेंस है वो इस एरिया में ग्रीन कलर के एरियाज में देखा जाता है, तो इनकी संख्या कम होने के पीछे देखिए बढ़ती
इंसानों की जनसंख्या और डेवलपमेंट भी है। पहले सड़कें नहीं थी, रेगिस्तान में अगर किसी को जाना होता था तो ट्रेडिशनल तरीके से जाने के, कोई भी मोटराइज व्हीकल्स नहीं होते थे, सड़कें नहीं थी, तो इनका जो हैबिटेट था ये एक परफेक्ट हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इतनी सारी झाड़ियां, कटी झाड़ियां जहां पर आराम से सेफली अंडे दिए जा सकते हैं, वो रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में सड़कें बना दी गई है, क्रिस क्रॉस कर रही है। रेगिस्तान में काफी एरिया में सड़कें हैं, मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूँ, जैसलमेर मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है, तो मैंने खुद ने पिछले 10 सालों में जैसलमेर का रैपिड डेवलपमेंट दिखा है। एक और बड़ा रीजन है जीप्स का इन्वेंशन। 1940s में जब जीप इन्वेंट करी गई और उसके बाद ये भारत में भी आई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी पॉपुलर हो गई थी जीप पूरे इंडिया में, तो ऐसे में राजस्थान के भी इन इलाकों में जीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल देखा गया कि 4x4 व्हीकल है, आराम से कहीं भी जा सकता है। तो सबसे बड़ा नुकसान इसका जिला गुड़ावन है, क्योंकि इस तरह के डेजर्टेड एरियाज में पहुंचना जहां पहले मुश्किल होता था, इम्पॉसिबल होता था, वहां पर अब आराम से जीप लेकर जाया जा सकता था और गुड़ावन का शिकार किया जाने लगा। तो गुड़ावन जो इंसानों से काफी दूर भागता है, एक काफी शाय बर्ड माना जाता है, शाय कहना तो गलत होगा, ये इंसानों से दूर भागता था अपनी जान बचाने के लिए, तो ब्रिटिश टाइम के दौरान इसका शिकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जो इसका शिकार कर लेता था वो प्राउडली बताता था कि मैंने गुड़ावन को मारा है। तो अब जैसलमेर के अंदर डेवलपमेंट जो हो रहा है पूरे राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में, उसमें विंड मिल्स, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो पूरा जैसलमेर की स्काईलाइन अब इस तरह के विंड मिल्स से आपको देखने को मिलेगी, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी दूर दूर तक वहां पर आपको विंड मिल्स देखने को मिलेंगी। और ये जो सारी बिजली बनाई जाती है ये कैसे ले जाई जाएगी कंज्यूमर्स तक, ऑब्वियस सी बात है बिजली के तारों के थ्रू। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स जो है वो रेगिस्तान के पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेंगी, जो इन विंड मिल्स के पावर को ट्रांसमिट करती है ग्रिड तक। तो ये जो पावर लाइन्स है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि चिड़िया इन तारों में टकरा जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो हैबिटेट है, उसका जो रहने का क्षेत्र है, उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। पहला ये कहा गया है कि जो इनका हैबिटेट है उसके आसपास के एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाएगा, और दूसरा जो पावर कंपनीज हैं इन एरिया में जिनके विंडमिल्स हैं, उन्हें ये कहा गया है कि आप अपनी हाई वोल्टेज पावर लाइन्स को अंडरग्राउंड कीजिए, ताकि गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनसे टकरा कर ना मरे। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, ये एक तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो बफर की तरह काम करते हैं या फिर कनेक्टर की तरह काम करते हैं दो बड़े नेशनल पार्क, दो बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में। तो अगर कोई नेशनल पार्क का एरिया है, सोचिए ये नेशनल पार्क है, लेकिन इस नेशनल पार्क के अंदर अगर शेर रहता है और वो इस एरिया तक भी बाहर कभी कभी निकल जाता है विचरण करने के लिए, तो फिर इस एरिया को, बाहर वाले एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टाइगर या एनी स्पीशीज। कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व में फर्क क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व प्राइवेट लैंड पे हो सकते हैं या कम्युनिटी ओनरशिप के तहत हो सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व सरकारी जमीन पर होता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने तय किया है कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मोर्टैलिटी इतनी ज्यादा क्यों है पावर लाइन्स के थ्रू, बर्ड तो दूसरी भी है। इसका एक रीजन ये है कि बस्टर्ड जो होती है, जो इतनी बड़ी चिड़ियाओं का जो पूरा ग्रुप है, जो जीनस है बस्टर्ड्स का, अपनी दृष्टि में सीधा नहीं देख सकते, इनका जो फ्रंटल विजन है वो बहुत ही खराब होता है, इन्हें सीधा स्ट्रेट नजर नहीं आता। तो जब ये उड़कर जा रहे होते हैं तो इन्हें स्ट्रेट नजर नहीं आता, तो इन्हें वायर्स नजर नहीं आते, तो इसलिए पावर लाइन्स दूर से देखने में ये अक्षम है, और यही रीजन है कि ज्यादा टकराते हैं और ज्यादा इनकी डेथ होती है। तो ये तो हमने प्रॉब्लम्स जान ली, अब हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने जब IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, उसके बाद एक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये और भी कई स्पीशीज के लिए चलाया जा रहा है। तो इन स्पीशीज के नंबर बढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट्स कर रही है केंद्र सरकार और साथ साथ में WII, जो मेरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो चलाता है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। उसके अलावा एक हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये भी एक नया इसी का पार्ट है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का। इसमें 33 करोड़ रुपए का फंड और लिया गया है, ये लेटेस्ट न्यूज है, और इस 33 करोड़ फंड को इस्तेमाल किया जाएगा ब्रीडिंग के लिए, कंजर्वेशन के लिए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के प्रोग्राम के बारे में। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गुड़ावन, और इतने लंबे अंतराल के बाद राजस्थान सरकार की नींद 2019 में जागी है। उन्होंने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन घोषणा करी कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाएगी राज्य सरकार। इसमें क्या करा जाएगा, बड़े एनक्लोजर बनाए जाएंगे, यानी एक ऐसा एरिया बनाया जाएगा जहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेफली आ सके, ये पक्षी सेफली प्रजनन कर सके, इनके अंडों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, और जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें ओपन में नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक तरह से कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा, और ये प्रोग्राम इनिशियल सक्सेस भी मिली है इसे। दो बर्ड्स सक्सेसफुली अंडे, तो ये 6 अंडे लेकर आए थे जिन्हें हैच करवाया गया हैचरीज में,
और उनमें से दो सक्सेसफुली हैच हो गए हैं और देखना होगा आने वाले कुछ महीनों में क्या स्टेटस रहता है उनका, क्योंकि जब तक वो पक्षी बड़ा नहीं हो जाता, मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसे बाहर छोड़ा नहीं जा सकता। आप जो राजस्थान से हैं तो उनके लिए दो सेक्टर के नाम इम्पोर्टेंट है स्टेट एग्जाम्स के लिए, कि पहला कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है सोरसान एरिया में कोटा के पास में और दूसरा एक हैचरी सेंटर है रामलीला जैसलमेर में। ओके, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों हाँ, तो अभी आपने देखा एक बहुत ही अच्छा वीडियो था जिसमें सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में मैंने आपको दिखाया। ठीक लगा? क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के कार्य, फंक्शंस और इकोसिस्टम्स और इकोसिस्टम सर्विसेस। मेरिनियम पारिस्थितिकी तंत्र आकलन एमए रिपोर्ट 2005 इस पर प्रश्न आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस रिपोर्ट की चर्चा की। प्रश्न आया था मेरिनियम पारिस्थितिकी तंत्र आकलन रिपोर्ट का पास हुई तो वो 2005 पे पास हुई। मेरिनियम पारिस्थितिकी तंत्र आकलन एमए रिपोर्ट 2005 पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त लोगों के लाभ के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को परिभाषित करता है और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की चार श्रेणियों को अलग करता है, जहां तथाकथित समर्थित सेवाएं, अब यहां पर सपोर्टिंग सर्विसेज को अन्य तीन श्रेणियों की सेवाओं के आधार के रूप में माना जाता है। तो यहां पर हमें चार सेवाएं जो कि पारिस्थितिक रिपोर्ट में बताया गया है उसको भी हम स्टडी कर ले रहे हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना आया था कि पारिस्थितिक आकलन रिपोर्ट कब बनाया गया, लेकिन प्रश्न आ सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं रखी गई हैं और किस सेवा को सब प्रधान या प्रथम या विशेष महत्व दिया गया है। तो सहायक सेवा को विशेष महत्व दिया गया है और इसके साथ अन्य तीन सेवाएं जोड़ी गई हैं। तो अब यहाँ पर सहायक सेवाओं के अंतर्गत प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज में क्या क्या है, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सहायक सेवाएं, इसमें पोषक पुनर्चक्रण, प्राथमिक उत्पादन और मिट्टी के निर्माण जैसी सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं से पारिस्थितिकी तंत्र को खाद आपूर्ति, बाढ़ विनियमन और जल शोधन जैसे सेवाएं प्रदान करने के लिए संभव बनाती है। यानी इसका मेन कार्य है कि मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को सपोर्टिव बनाना, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बेस्ट बनाना, बाढ़ से आने वाले क्षेत्र को सुधार करना और लगातार फूड सप्लाई को बनाए रखने के दृष्टिकोण से इकोसिस्टम को मेंटेन करना, ये सहायक सेवाओं इन सपोर्टिंग सर्विसेज के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इन सपोर्टिंग सर्विसेज की को विकास के दृष्टिकोण से तीन और श्रेणियों में इनको बांटा गया, यानी इन सपोर्टिंग सर्विसेज को तीन श्रेणियां डिवीजन किया गया। इनके अंतर्गत प्रावधान सेवाएं प्रोविजनिंग सर्विसेज, जिसके अंतर्गत भोजन, भोजन में समुद्री भोजन भी सम्मिलित है, फसलों, जंगली खाद्य पदार्थ, मसाले इत्यादि को सम्मिलित किया गया, कच्चे माल, लकड़ी, खाल, ईंधन की लकड़ी, कार्बनिक पदार्थ, चारा और उर्वरक इत्यादि को इसमें सम्मिलित किया गया, आनुवंशिक संसाधन, फसल सुधार, जीन और स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि, बायोजेनिक खनिज। बायोजेनिक खनिज का मतलब होता है कि जो बायो जो जैविक पदार्थों या जैविक तत्वों से निकलने वाले खनिज निर्मित हो, जैसे कि काऊ से निकलने वाला काऊ डंग वो बायोजेनिक मिनरल के रूप में माना जाएगा। औषधि संसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन मॉडल परीक्षण इत्यादि। ऊर्जा, पन बिजली, बायोमास, ईंधन, सजावटी संसाधन, फैशन, हस्तकला, गहने, पालतू जानवर, पूजा, सजावट और फ्यूल्स, पंख, हाथी दंत, आर्किड, तितलियां, एक्वेरियम मछली इत्यादि। अब आपको यहाँ पर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको बस समझ के विकास के दृष्टिकोण से डिटेल किया है। आपको इतना ध्यान में रखना होगा कि प्रमुख रूप से पारिस्थितिकी की सेवाओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, चार श्रेणियों में बांटा गया है और प्रधान श्रेणी के अंतर्गत सपोर्टिंग सर्विसेज को रखा गया है, जिसके अंतर्गत तीन श्रेणियां बनाई गई, पहला प्रोविजन सर्विसेज, दूसरा रेगुलेटिंग सर्विसेज, तीसरा कल्चरल सर्विस। अब उनको थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। अब यहाँ पर रेगुलेटिंग सर्विसेज को देखें तो विनियामक सेवाएं, जिसमें कार्बन और जलवायु नियमन
अब कार्बन और जलवायु नियमन यानी कार्बन की मात्रा जो एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है, क्लाइमेट के रेगुलेशन करना और जलवायु कार्बन की मात्रा को सुधार करना, कार्बन की मात्रा को नियंत्रित करना इत्यादि इसके अंतर्गत रखा जाएगा। अपशिष्ट अपघटन डिटॉक्सिफिकेशन वेस्ट कंपोजिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसका डिकम्पोजिशन करना और उस वेस्ट मटेरियल में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको दूर करना, टॉक्सिक यानी जहरीली चीजों से बचना, पानी और हवा की शुद्धि, कीट और रोग नियंत्रण। इसके बाद सांस्कृतिक सेवाओं में सांस्कृतिक पुस्तकें, फिल्म, पेंटिंग, लोक कथाएं, राष्ट्रीय प्रतीक, वस्तुकारों की विज्ञापन इत्यादि की प्रकृति का उपयोग शामिल है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, धार्मिक और विरासत मूल्य के उपयोग इत्यादि, यानी यहाँ पर मानवीय मूल्यों तक को भी रखा गया कि जो मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, जो धार्मिक मूल्य खत्म हो रहे हैं, जो हमारे विरासत मूल्य हैं उनको बनाए रखने के दृष्टिकोण से उनको भी वापस लाने के इसको इस प्रोग्राम में जोड़ा गया। मनोरंजक अनुभव, इको टूरिज्म, आउटडोर खेल और मनोरंजन इत्यादि इत्यादि, विज्ञान और शिक्षा, स्कूल भ्रमण के लिए प्राकृतिक प्रणालियों के उपयोग और वैज्ञानिक खोज इत्यादि, उपचारात्मक इको थेरेपी, सामाजिक वानिकी और पशु सहायता चिकित्सा, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा गया। मैं फिर से बताऊंगा, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करने की जरूरत है कि मिलेनियम पारिस्थितिक तंत्र आकलन रिपोर्ट कब आई 2005 में। इसके तहत चार श्रेणियों में इस पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित किया गया है। इसमें भी प्रधान श्रेणी में सपोर्टिंग सर्विसेज को रखा गया, जिसको तीन अन्य श्रेणियों में बांटा गया। पहला है प्रावधान सेवाएं यानी प्रोविजनिंग सर्विसेज, दूसरा है विनियामक सेवाएं रेगुलेटिंग सर्विसेज, तीसरा है सांस्कृतिक सेवाएं कल्चरल सर्विसेज। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स में है आपको? सर एक मिनट जरा दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, सहायक सेवाएं ये हाँ। जो नीचे का प्रावधान सेवाएं और ये इसके अंतर्गत आती हैं, सहायक सेवाओं के अंतर्गत है ये? सहायक सेवा को प्रधान में रखा गया, देखिए यहाँ पे मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा 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 ठीक ठीक, तो ये प्रधान में रखा गया, इसके अंतर्गत तीन कैटेगरीज बनाएंगे, कैटेगरी वन प्रोविजनल। अच्छा इसके अंतर्गत, अच्छा ठीक है ठीक है, फिर तीन और वैसे टोटल चार है सर, ये चार श्रेणियों में रखा है। चार श्रेणियों में रखा गया, ऑलराइट ओके। तो वो चार श्रेणियां जो है वो यही सहायक को मिला के है ना सर? हाँ हाँ हाँ, इनको मिलाकर, प्रधान को सहायक को मिलाकर चार श्रेणियां। देखिए ये स्पष्ट फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की चार श्रेणियां अलग करता है, तो ये चार श्रेणियां हैं ठीक है, जिसमें तथागत समर्थन सेवाओं को अन्य तीन श्रेणियों की सेवाओं के आधार के रूप में माना जाता है, यानी समर्थन सेवाओं के आधार है ये तीन। ऑलराइट जी सर, चलिए अब चलते हैं इकोलॉजी। आपने इकोसिस्टम पढ़ा और हम पढ़ाएंगे इकोलॉजी पर। सर एक चीज और पूछनी थी, क्या इसमें से अंदर से भी कभी क्वेश्चन कोई आया है क्या पहले, जैसे प्रधान की नाम दे दिया कि औषधीय सेवाएं या बायोजेनिक सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी आ सकता आया है क्या? देखिए अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो अभी इतने डेप्थ के नहीं है क्वेश्चंस, जो मैक्सिमम अभी मैं आपको लगभग इसमें 100 से अधिक क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो फिलहाल तो ये देखा जा रहा है कि फैक्ट्स से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, और फैक्ट्स में जो क्वेश्चन है भी वो इतने डेप्थ में अंदर नहीं जा रहा है, जैसे मिलेनियम रिपोर्ट कब पास हुई 2005 में पास हुई, में पाते हैं चार श्रेणियों में, प्रमुख श्रेणी कौन सा है, सपोर्टिंग सर्विसेज है, ये जरूर पूछा गया है लेकिन अभी इतने डेप्थ नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि इसको आपको याद करने की जरूरत है। ऊपर से सर जो जहाँ पर जो जितना डेप्थ है मैं बताता चलूंगा, कहाँ कितना डेप्थ में देखना है, कहाँ कितना आपको लीनियरली देखना है। चलिए जी सर, जी सर ओके। तो चलिए स्टूडेंट चर्चा कर रहे हैं इकोलॉजी पर। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इकोलॉजी क्या है, व्हाट यू से अबाउट द पारिस्थितिकी,
इससे पहले मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र बताया, अब आप हमें बताइए कि पारिस्थितिकी क्या है। जस्ट टेल मी सर, हमारे आसपास का वातावरण जिसमें कि हम सारी चीजें जो मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे और जो एक दूसरे पे निर्भरता है, जिसको तंत्र बना हुआ है, वो सारा पारिस्थितिकी अंतर्गत आता है। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या डिफरेंस है? तंत्र में निर्भरता है कि हम कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, डिपेंडेंसी शो होती है, और पारिस्थितिकी वो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और जिसमें हम रहते हैं वो सब। देखिए यहाँ पर अंतर समझिए, पारिस्थितिकी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की एक ब्रांच है जो परिस्थिति या पर्यावरण में अध्ययन हो रहा है, यानी ये एक विषय है अध्ययन का, और इसके अंतर्गत हम इकोसिस्टम को एज ए कंटेंट या एज ए यूनिट पढ़ते हैं, यानी कि ये अपने आप में एक विषय है और इकोसिस्टम इसका एक चैप्टर है। क्लियर? बस न्याय। तो दिस इज, और इस शब्द का उत्पत्ति 1869 में अर्नेस्ट हेकेल द्वारा गढ़ा गया। पारिस्थितिकी अंदर अध्ययन जीवों की प्राकृतिक स्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन है जो जीवों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। यह तीन स्तरों पर मौजूद है, निम्नलिखित। पहला, व्यक्तिगत जीव इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, कैसे जीव पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और कैसे वे बदलते हैं। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, समुदाय। अब अगर हम एक लाइन में बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण का अध्ययन, बात समझिएगा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी की एक इकाई यानी इकोलॉजी का एक यूनिट है जो एक समुदाय को व्यक्त करता है जिसमें जैविक अजैविक दोनों घटकों को संबोधित किया जाता है, यानी बायोटिक अबायोटिक दोनों प्रकार के कंपोनेंट्स में संबोधित होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में मैंने पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ाया, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो हमारे जीवन को यानी सृष्टि पे जैव तंत्र को बनाए रखने में योग अदा करता है, बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर? जी सर। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमें कई साइकिल्स का अध्ययन करना है, जैसे अभी हम यहाँ पे बायो केमिकल साइकिल पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो बात करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। ये शब्द बायो जियोकेमिकल साइकिल हमें जैविक भूवैज्ञानिक और रासायनिक कारकों के बारे में बताता है। जैविक और भौतिक दुनिया के माध्यम से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और पानी जैसे रासायनिक पोषक तत्वों का परिसंचरण जैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। असल में तत्व का पुनर्नवीनीकरण होता रहता है, हालांकि कुछ चक्रों में वहां स्थिर जगह हो सकती है जहां तत्व लंबे समय तक जमा रहता है, जैसे जलाशय जैसे महासागर का पानी या झील इत्यादि। अब सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण जैव रासायनिक चक्रों की अगर हम बात करें तो पहला आता है कार्बन साइकिल, फिर है नाइट्रोजन साइकिल, दूसरा ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल और रॉक साइकिल।
तो एक एक पर हम आगे अध्ययन करें। तो स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल। मैं पूछना चाहूंगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नोट्स को मत देखिएगा, अभी ऐसे बताइए व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स। जवाब दीजिए। सभी लोग शांत हैं। I want to know what is fossil fuels. Actually, इसके notes देख लिए हैं ना आपने, मना कराया थी इसके मत बताना। चलिए फिर आप अपने अपने योग्यता अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बताइए what is fossil fuels. जो लिखा हुआ है वही समझ आएगा। कोई और बताए? सब लोग शांत है, एकदम मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। दीपक, व्हाट डू यू से अबाउट फॉसिल फ्यूल? दीपक, पैसा दे। यस सर, रिएक्टिंग टू। हाँ बेटा, कुछ बताएंगे? व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या है? आप लोग शांत ही बने रहिए, मैं ही बताता हूँ आप लोग। देखिए फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन को कहते हैं और ये कार्बन साइकिल का एक स्वरूप है। अब यहाँ पर चर्चा करूंगा कार्बन साइकिल क्या है। देखिए कार्बन साइकिल का मतलब हो गया कार्बन की मात्रा, कार्बन संरचना में बदलाव, कार्बन की संरचना में बदलाव से कार्बन का पुनः वही स्वरूप में बदल जाना कार्बन साइकिल कहलाता है। कार्बन की एनर्जी विद्यमान है भले ही संरचना में बदलाव हो जाए। अपने एनर्जी के लिए सुना होगा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को ना ही बनाई जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है, उसका स्वरूप बदलता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो इन दैट वे कार्बन के भी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, कार्बन के स्ट्रक्चर बदलते हैं, ऊर्जा विद्यमान है और वो दूसरी संरचना में बदल जाता है और फिर ऊर्जा हमें मिलती है। इसी क्रम में फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों की बात, जीवाश्म ईंधन कार्बन के संयोजकों से निर्मित होते हैं जिनका लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुए प्राकृतिक परिवर्तन के दौरान हुआ। जैव वैज्ञानिकों ने उस कालावधि यानी उस पीरियड को कार्बनी फेरस पीरियड माना। कार्बनी फेरस पीरियड का मतलब कार्बन के संरचना में बदलाव वाला पीरियड। तो फॉसिल फ्यूल्स इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स व्हिच इज फॉर्मड ड्यू टू नेचुरल चेंजेस अकर्ड अबाउट 300 लाख इयर्स अगो। बायोलॉजिस्ट नेम्ड दैट पीरियड एज कार्बन फेरस पीरियड। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में उस समय की वनस्पतियां जैव मंडल भारी दबाव के कारण पृथ्वी के गर्भ में समा गए और समयांतराल के दौरान उसकी संरचना में परिवर्तन के कारण नए स्वरूपों का जन्म हुआ और यह निक्षेप कार्बन की मात्रा की प्रक्रिया के तहत हुआ। अतः इसे कार्बनीकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया जिससे भारी मात्रा में वनस्पति निक्षेप में परिवर्तन से कोयले का और जीवाश्म निक्षेप के स्वरूप में परिवर्तन से पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैसों का निर्माण हुआ। वे रासायनिक व जैविक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मृत जीव कोयले में परिवर्तित होते हैं उसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और बेहतर रूप से समझिए, सपोज करिए कि जो
आज से 300 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति में हम चले जाएं, तो 300 लाख वर्ष पूर्व, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 300 लाख वर्ष पूर्व तो पृथ्वी कैसी स्थिति में रही हो। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से विखंडित होकर एक ग्रह बना, तो सूर्य में विखंडन हुआ और कुछ सूर्य से छटक कर कुछ तत्व दूर जा गए, जिसमें पृथ्वी, मंगल ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न और जुपिटर जैसे कुछ ग्रह निर्मित हुए अंतरिक्ष। आगे धीरे धीरे ये खंड ठंडे होते गए, खंड के ठंडे होने की प्रक्रिया में इनकी इनमें चेंजेस होता था। प्रारंभ में भूखंड टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन लगातार फ्रिक्शन पाते अंतरिक्ष में ये गोल पिंड के रूप में बदल गए। इनमें मैग्नेटिज्म पावर है, तो इन्होंने बहुत से गैसेस को अपने अंदर खींच लिया। अब इस प्रकार से पृथ्वी के आसपास से हो सकता है कोई धूमकेतु कभी गुजरा रहा हो, परिणाम स्वरूप उसने गैसेस पृथ्वी को दे दिया, पृथ्वी पर गैसेस का जन्म हो, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन, तमाम नाइट्रोजन इत्यादि गैसेस पृथ्वी पे जन्म लिए आ गए। इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घुलने से H2O और पानी का निर्माण हो गया। धीमे धीमे पृथ्वी ठंडी होने लगी और नए जीव जंतु बनने लगे, मछलियों का विकास हुआ और देखते देखते मानव के रूप में, बंदर के रूप में जीव हमें दिखने लगे। और काफी सालों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद हम हमारी आज की आकृति के रूप में दिखाई दे। पृथ्वी के विकास का एक लंबा इतिहास होगा जिसका कोई वीडियो नहीं हुआ, लेकिन एक कल्पना वैज्ञानिक विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर बनाते हैं। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज अगर 300 लाख वर्ष पूर्व हम चले जाएं, तो क्या तब संसाधन या एविडेंसेस के आधार पर ये पता चलता है कि पृथ्वी पर जो आज बड़े पैमाने पर कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ विद्यमान है, ये निक्षेपों से हुआ और ये निक्षेप उस समय की जीव जंतुओं से हुआ। जीव जंतु जो कि वनस्पति के रूप में थे और जीवों के रूप में थे, वनस्पतियों का निक्षेप कोयले के रूप में बदल गया और जीवों के जो निक्षेप हैं वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में आज हमें प्राप्त। 300 लाख वर्ष पूर्व अब जो जितनी मात्रा में इनको पाया जाता है उससे ये पता चलता है कि काफी बड़े पैमाने पर ये काफी बड़े जीव पृथ्वी पर विद्यमान रहे होंगे और वनस्पतियां भी काफी ज्यादा विद्यमान रहेंगी। कल मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर चर्चा की, मैं उसी बात को फिर से रिपीट करूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो सकता है उस समय काफी ज्यादा रही हो, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वनस्पतियां थी। बड़ी बड़ी वनस्पतियां होने का शक क्यों जाता है? बड़ी बड़ी वनस्पतियां होने का शक इसलिए जाता है क्योंकि ये वनस्पतियों का निक्षेप बहुत बड़े बड़े कोयले के खानों के रूप में विद्यमान है, तो छोटे मोटे या एक दो वृक्षों से इतने बड़े कोयले की खान नहीं बन सकती है। जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर ये वनस्पतियां नहीं होंगी और बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष ये वनस्पतियों वृक्ष रहे होंगे जो ये निक्षेप। अब अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों को देखें तो 100 वर्षों तक हमारे पास पेट्रोलों को अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने की पृथ्वी के गर्भ में समाई हुई पेट्रोल है। अब इसके अनुसार देखें तो उसी समय बहुत बड़े बड़े सरीसृप और जीव भी रहे होंगे, जैसा कि डायनासोर और ट्राइनासोर से युग में माना जाता है। तो ये सरीसृप, ये जीव, ये सब कुछ उस समय विद्यमान थे, लेकिन इनका स्वरूप आज बदल गया और आज ये हमें पेट्रोलियम पदार्थ और कोयले के रूप में ऊर्जा दे रहे हैं। इससे ये बात पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी वनस्पतियों में ऊर्जा तभी था, वो आज 300 लाख वर्ष बाद भी ऊर्जा रखे है और आज हम कोयले को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। और जो बड़े बड़े जीव उस समय थे उनकी ऊर्जा भले ही उस रूप में नहीं आज है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ और तमाम स्वरूप में वो आज हमें ऊर्जा दे रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े यंत्र तंत्र और गाड़ियां इत्यादि आज दौड़ रही है। ऐसे ये पता चलता है कि ऊर्जा विनष्ट नहीं, उसका स्वरूप बदलता है। अभी देखा जाए तो पृथ्वी ब्रह्मांड कार्बन की ऊर्जा के संघनन से बना है, कार्बन की संघनन से इनका निर्माण था, ऊर्जा का स्वरूप बदल गया। अब ऊर्जा का स्वरूप बदलने को एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा।
देखिए ऊर्जा का स्वरूप बदला परंतु उसमें ऊर्जा है, कार्बन के स्वरूप बदले परंतु ऊर्जा है। जैसे मान लीजिए हम इस कागज को लें तो इस कागज में ऊर्जा है, अगर आप देखें तो इस कागज में हमने चोट लगाने की ऊर्जा है, इस कागज में एक एक अपना अस्तित्व है। अब इस कागज को देखते रहिएगा, ये कागज क्या है, इस कागज को देखा जाए तो इसमें ऊर्जा है, इसकी संरचना एक कागज के रूप में है, लेकिन किसी प्रकार का एक्सीडेंट और भारी दबाव के परिणाम से ये कागज का स्वरूप बदल गया, इस कागज का स्वरूप चेंज हो गया। लेकिन क्या इसमें ऊर्जा नहीं है? है, देयर इज इनफ पावर एनर्जी, और उतनी ही ऊर्जा है जितनी ऊर्जा उस समय उसकी पूर्व की संरचना यानी कागज की संरचना। कागज को जलाया जाता एनर्जी हमें मिली, और अभी हम इसको भी जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिली। इससे एक बात सिद्ध होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड, ऊर्जा ना भी नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा ना निर्मित किया जा सकता है, उसके स्वरूप और संरचना में बदलाव। तो इस उदाहरण से एक बात पता चलता है कि ऐसे ही कालांतर में 300 लाख वर्ष पूर्व ये वनस्पति और जीव विद्यमान थी, इनके ऊपर किसी प्रकार का भारी एक्सीडेंटल स्वरूप एक्सीडेंट हुआ, या पृथ्वी के अंदर एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, सक्शन फोर्स बना, या ऊपर से कोई ग्रह पिंड पृथ्वी पे आकर टकराया हो, सागर तलों की संरचनाओं में बदलाव हो गया हो, या खंड उठ करके अंदर की ओर समा गए हो, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे कि ये वनस्पतियां और ये जीव पृथ्वी के गर्भ में जाके समा, पृथ्वी के गर्भ में समा गए और इनकी संरचनाओं में बदलाव, और ये बहुत बड़ी मात्रा में जहां निक्षेपित हुए वहां आज हमें बड़ी मात्रा में रिजर्व्स दिखाई दे। ये डायनासोर चाइनासोर बड़े बड़े जीव एक जगह जाकर दफन हो गए, सड़ नहीं पाए, इसलिए इसलिए उनकी ऊर्जा वन विद्यमान है और पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में आज हम उसको प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से वनस्पतियां निक्षेप सड़ नहीं पाई, दब गई भारी दबाव की वजह से उनकी संरचनाओं में बदलाव, जैसे अभी आपने इस कागज की संरचना में बदलाव भारी दबाव से देखा, और विद अ स्पैन ऑफ लॉन्ग टाइम बड़े लंबे समय की के बाद परिवर्तन के स्वरूप इसके स्वरूप में बदलाव देखने को मिला और कोहरे के रूप में बदल गया। तो इस सर मतलब ये कि इसमें जो एनर्जी वो हो गई दब गई या डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन दूसरी एनर्जी से भी उसका संपर्क हुआ, इसके कारण वो फ्यूल बन गई। नहीं, एनर्जी नहीं डिस्ट्रॉय हुई, एनर्जी वही है, उतनी ही है, वो एक जगह समाहित हो गई, स्ट्रक्चर में बन गई। जैसे मैंने आपको इसकी एनर्जी जो थी पहले वो आज भी है, अगर हम इस कागज से देखें तो उतनी चोट उस समय भी लग सकती थी, अभी इसके स्वरूप में बदलाव हो गया तो अभी ये चोट दे सकती है, और अगर इसको जलाते हैं तो कागज में जितनी ऊर्जा जलाने पे उस समय मिलती, आज भी हम इसको जलाएंगे इसकी ऊर्जा उतनी ही नहीं। जैसे वो खराब नहीं हुई ना, जैसे जो वनस्पतियां हैं वो सड़ी नहीं, किसी दूसरी एनर्जी का उन पे प्रभाव पड़ा इसलिए इसी कारण से वो सड़ी नहीं ना, उनका नया रूप बन गया। अगर वो डिकम्पोज होता तो प्रकृति में उसकी ऊर्जा विलीन हो जाती, परंतु डिकम्पोज नहीं हो पाई, ऑक्सीजन के पास नहीं आ पाई, ऑक्सीजन से डिकम्पोजिशन होता पर पृथ्वी के गर्भ में समा गई और वहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, जब ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो सड़ नहीं पाई, भारी दबाव की वजह से उसके स्वरूप में बदलाव हो गया। एक एग्जाम्पल और लूंगा, सपोज करिए कि एक व्यक्ति आपका आपसे मित्रता नहीं करना चाहता, लेकिन आप गन पॉइंट आप रख दो और फिर कहो कि दोस्ती करो तो वो आपसे दोस्ती करेगा एक मजबूरी में, लेकिन
ऊर्जा उसमें विद्यमान है, वो आपका दुश्मन है तो दुश्मन ही जैसे आप बल्ब को घटाएंगे तो तुरंत आप पर अटैक करेंगे। इसी प्रकार से ऊर्जा का स्वरूप बदल गया, संरचना बदल गया, परंतु ऊर्जा विद्यमान। तो सिमिलरली उस समय की वनस्पतियां निक्षेपित हो गई और आज कोयले के रूप में आज हमें विद्यमान मिल रहे हैं। अगर हम झारखंड में देखते हैं तो कोयला का इतना बड़ा भंडार है कि अभी उसको हम कई सौ वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जो घटेगा नहीं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी पर इस क्षेत्र में, क्योंकि ये बाहर से तो कहीं ला के डाली नहीं गई होगी, डम तो की नहीं गई होगी, जनरली इस क्षेत्र में यानी जहां आज हम रह रहे हैं यहाँ बहुत बड़े बड़े विशाल काय, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष रहे होंगे, तभी तो इतना बड़ा भंडार बन पाया, तभी तो इतना बड़ा कोयले की खान विकसित हो पाई। तो ये विशाल भंडार समाहित हो गया, अंदर दफन हो गया और दबाव के वजह से इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया। अब अगर हम बॉम्बे हाई में देखते हैं वहां पर पेट्रोलियम के है, मिडिल ईस्ट में जाए तो विश्व का 40% पेट्रोलियम रिजर्व वहां पाया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में पाया जाता है। इसका मतलब उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे बहुत बड़े बड़े सरीसृप रहे होंगे, डायनासोर्स टाइनासोर्स, और उनके पास बहुत ऊर्जा थी लेकिन वो दफन हो गए और उनकी जो शरीर की ऊर्जा थी वो धीरे धीरे कंपल्शन हैवी दबाव के साथ साथ बदल करके पेट्रोलियम पदार्थ एलपीजी गैस के रूप में परिवर्तित। क्लियर हुआ है, बात समझ आया? ओके जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म है। जीवाश्म ईंधन क्या है? ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जीवों का अश्म, जीवों के अवशेष है, ठीक है, वो अवशेष ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं जो मुख्यतः कार्बन के संयोजकों से निर्मित होते हैं। अब इसमें उच्च श्रेणी के कोयले को हम पीट कहते हैं। उच्च श्रेणी के कोयले का मतलब हो गया जो काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड हो गया, जिनमें कार्बन के अणु और क्लोज कॉम्पैक्ट हो गए। कभी इसको हम और क्लोज कर दें, जितना ज्यादा उसके अंतर्गत एयर वैक्यूम कम होगा उतना बढ़िया वो कोयला ऊर्जा देगा, क्योंकि कार्बन का संघनन उसमें ज्यादा होगा। कार्बन का संघनन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उसमें ज्यादा होगी। इसलिए अच्छे कोयले यानी अच्छे श्रेणी के कोयले ने जब ज्यादा लंबे समय से काफी प्रेशर में कोयले रहे उनकी उनमें जो कार्बन का संघनन था ज्यादा हो गया, इसलिए जब वो जलते हैं तो वो एनर्जी ज्यादा देते हैं और धुआं कम देते हैं, इसलिए उच्च श्रेणी के कोयले और इनको काटा गया। तो उच्च श्रेणी के कोयले को पीट कहा जाता है। इसके बाद क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो कच्चा तेल पृथ्वी तल में जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें तेल कुंड की संज्ञा दी गई है। पेट्रोलियम पदार्थ या तो केवल पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक गहराई या गहरे सागर के तल के नीचे प्राप्त होते हैं। अब गहरे सागर के तल के नीचे प्राप्त होते हैं, इसका मतलब समझिए समुद्र का जो तल है, इसका मतलब आज वो जो समुद्र है कल हो सकता है पूर्व में वहां पर पानी ना रहा या वह हिस्सा भूमि का धस गया हो अंदर, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ है? या तो भूमि के घर पे या समुद्र के भूमि समसी बेड के नीचे असीम गहराई में पाए जाते हैं, जो देखा जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में विद्यमान है। नेचुरल गैसेस कैसे या इनका स्वरूप क्या होता है? नेचुरल गैसों में मुख्य रूप से मुख्य घटक मीथेन है, जो कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणुओं का गैस के यौगिक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मीथेन को हम देखें तो कार्बन का एक और हाइड्रोजन के चार अणु इस प्रकार से जोड़ दिए गए, कार्बन का एक और हाइड्रोजन के चार अणु, फॉर्मूला है CH4। अब इसमें क्या है, इसमें कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन जुड़ गए हैं और उनकी इस जुड़ने से काफी एनर्जी उनमें विद्यमान है। अब आपको पता होगा कि फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी है, जब संलयन होता है तो ज्यादा एनर्जी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जनरली नॉर्मली एक साथ नहीं क्लोज आते,
लेकिन हैवी प्रेशर के साथ कार्बन और हाइड्रोजन बहुत क्लोज में एक दूसरे से जुड़ गए। अब ये कैसे जुड़ गए, जाहिर सी बात है काफी दबाव और काफी वर्षों के बीतने के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन क्लोज आ गए, और जैसे ही आप एटमॉस्फेयर में खुले में लाते हैं तुरंत ही ये रिलीज होंगे, और जैसे ही ये रिलीज होंगे तुरंत एनर्जी निकलेगा। तो ये जान लीजिए एनर्जी इनके अंदर विद्यमान है, और वही एनर्जी रिलीज होकर हमें अपने विभिन्न यंत्रों को चलाने में और गाड़ी को चलाने में प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये काफी बड़ी मात्रा में एनर्जी को अपने अंतर्गत रखते हैं। अब ये समझिए कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे एनर्जी को अपने अंदर रखे। ये कार्बन हाइड्रोजन जो है जनरली अगर आप जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन दबाव से जुड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्पेक्टर एक पुलिस का या एक इंस्पेक्टर छोड़िए बड़े अहदा के लिए एक एसपी और एक डॉन, उन दोनों से कहा जाए कि दोस्ती कर लें तो जनरली वो दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर बीच में गन रख दें तो दोनों गले लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही गन हटाएंगे दोनों एक दूसरे से अलग होंगे और एनर्जी निकलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये मीथेन बड़े जबरदस्त रूप से एक दूसरे से बाउंडेड है, लेकिन जैसे ही ओपन टू एयर में लाया जाएगा वैसे ही तुरंत एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाएगा। अतः इसे हम इस्तेमाल करते हैं प्रयोग करते हैं इस प्रकार से कि धीरे धीरे हमें एनर्जी दे और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए, जिसमें हम कार्बोरेटर के माध्यम से अपने गाड़ियों में इनका प्रयोग करके गाड़ी चलाते हैं। और इसी तरीके से हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में तमाम इसी के स्वरूपों को रख करके एलपीजी गैस से एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर जैसे ही हम एलपीजी को ओपन कर देंगे तुरंत वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। जितने ज्यादा दबाव के साथ जुड़े हुए हैं, जितने ज्यादा कार्बन अणु के साथ जुड़े हुए उतने ही मात्रा में वो एनर्जी को रखेंगे। इसी में प्रोपेन इथेन ब्यूटेन कई एक केमिकल कंपाउंड्स दिखाई देते हैं। अब मीथेन हमारे गैस सिलेंडर में भरा हुआ है, प्रोपेन भी ऐड किया गया, अब पता चल रहा है उसमें कार्बन के अणु हैं, अतः एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है। अब जैसे हम उसको जेट के थ्रू थोड़ा थोड़ा सा निकाल रहे हैं, हमारे घर में वो ईंधन का काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहे हैं, इन ईंधनों से हम अपना वर्क कर रहे हैं। लेकिन तुरंत ओपन टू एयर करेंगे खट से ये विस्फोटक बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उड़ जाएंगे। इस तरीके से ये एनर्जी के स्रोत बने। क्लियर, बात समझ में आई आपको? यहाँ पर प्रोपेन क्या है, एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस जो उच्च मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित करता है, या तीन कार्बन अणुओं का व 8 हाइड्रोजन अणुओं का यौगिक। तीन कार्बन हाइड्रोजन 8, इसका मतलब इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना कुछ इस प्रकार, कार्बन 3, ठीक है, फॉर्मूला है C3H8 प्रोपेन। दिख रहा है वीडियो में आपको? यस सर। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो मीथेन से ज्यादा इसमें एनर्जी हो, मीथेन से ज्यादा एनर्जी है, और पता चलता है कि जब इसे हम गैस सिलेंडर में भर रहे हैं इसीलिए हमने इसको ज्यादा से ज्यादा बाउंड करके रखा है। क्यों क्यों हमें इसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, तो ये तुरंत रिलीज होना चाहेंगे, इसलिए ओपन टू एयर इनको नहीं कर रहे हैं, इनको हैवी बाउंडेड प्रेशराइज्ड सिलेंडर के अंदर जब पैक करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में हम घर में किचन में बना रहे हैं। और अब देखें तो ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल से निकला हुआ ईंधन है, और फॉसिल फ्यूल के रूप में देखा जाए तो ये डायनासोर्स या डायनासोर्स का जीव तंत्र है, और एक प्रकार से देखा जाए तो डायनासोर या डायनासोर के खून पर हम रोटी सीख रहे हैं। क्लियर, चलते हैं अब अगले पॉइंट की ओर, एंड दैट इज नाइट्रोजन। Thank you.
नाइट्रोजन साइकिल। स्क्रीन विजुलाइज हो रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको नोट्स? जी सर। यस सर। यस सर। इस क्रम में आज हम साइकिल की चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन चक्र क्या है? चक्र का मतलब समझ रहे हैं कि किसी से जहां से चला वहीं से लौट के आया, यानी इस बात को पहले समझ लें। नाइट्रोजन है और ये विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपों को चेंज करते हुए वापस नाइट्रोजन बदल जाते हैं। तो वो नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में बनना बदल सकता है, मान लीजिए बदला, बदलाव होते हुए वापस नाइट्रोजन के स्वरूप में आ जाए। तो वापस स्वरूप में बदलना, अपने पूर्व की अवस्था में पहुंच जाना, प्रकार के एक्टिविटीज और जीवों के अंतर क्रिया के माध्यम से हम इसे नाइट्रोजन साइकिल। पूर्व के वीडियो मैंने आपको कार्बन साइकिल पढ़ाया, कार्बन क्या था, बदलाव हुआ, दबाव हुआ, एमिशंस हुआ और फिर कार्बन एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया, मिल गया। उसी प्रकार से नाइट्रोजन फिर वापस अपने वास्तविक स्वरूप में, जनरल स्वरूप में, प्राकृतिक स्वरूप में लौट आए, इसे कहेंगे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र जैव रासायनिक चक्र, इसके द्वारा नाइट्रोजन को कई रासायनिक रूपों में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है क्योंकि यह वायुमंडल, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच फैलता है। नाइट्रोजन को का रूपांतरण जैविक और भौतिक दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में फिक्सेशन, अमोनिनेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन शामिल है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी जो नाइट्रोजन चक्र में जुड़े हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वायुमंडलीय, औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन गैस का नाइट्राइड्स एवं नाइट्रेट्स में बदलना, यानी सिंपल से कहा जाए PN2 नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स या नाइट्राइड्स में बदलना। अगर नाइट्राइड्स की बात करें तो NO2 में बदल जाना और नाइट्रेट्स की बात करें तो NO3 में बदल जाना। अब इस स्वरूप में बदलने को नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन नियतन या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्राइड्स और इनटू नाइट्रेट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कैसे होता है? ये एटमॉस्फेयर प्रकृति में बहुत से हो रहे बदलाव होता पता है के माध्यम से भी होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है। सूर्य की ताप पृथ्वी पे आ रही है तो नाइट्रोजन का बदलाव होता है, उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा हैवी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से होता है। ब्लास्ट फर्नेस है, उसके अंतर्गत काफी आग को जलाया गया है ईंट भट्टों को ईंट को पकाने के लिए, वहां पर नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन के स्वरूप में बदलाव। इस प्रकार से जीवो जंतुओं में बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इत्यादि के माध्यम से नाइट्रोजन का नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में बदलना, ये सारी चीजें नाइट्रोजन नियतन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। क्लियर? अब चलते हैं अमोनिफिकेशन। अगला जो टर्मिनोलॉजी है अमोनिफिकेशन या अमोनियाकरण, अमोनिफिकेशन। जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है या कोई जानवर अपने अपशिष्ट को निकालता है तो नाइट्रोजन का प्रारंभिक रूप जैविक अवस्था में प्राप्त होता है। बैक्टीरिया या कवक
यानी फंगस या बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया यहाँ इस नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, अमोनियम में परिवर्तित कर देना। अब एक जनरल नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या डिकम्पोजिशन से हुआ, ठीक है, जो कहा जाए जानवरों के डिकम्पोज बाय वेस्ट से हुआ, उसमें नाइट्रोजन का हुआ और उस नाइट्रोजन को, उस जैविक नाइट्रोजन को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया या कवक परिवर्तित करके अमोनियम में बदल देते हैं, यानी NH4 में बदल देते हैं। तो ऐसे आयंस को, NH4 को हम यहाँ क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। अब ये ध्यान रखिए कि इस स्वरूप से स्वरूप में बदल रहा है, स्वरूपों में हो रहे बदलाव की बात है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज दूसरे स्वरूप में चला जाता है तो वो वापस अपने स्वरूप में आने के प्रयास करता है, और प्रकृति के विभिन्न माध्यम से उसका वापस नाइट्रोजन में बदल जाना ही क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन साइकिल का निर्माण, नाइट्रोजन चक्र। अब इसी प्रक्रम में एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम नाइट्रीकरण कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो अमोनियम का नाइट्रेट में रूपांतरण मुख्य रूप से मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया और अन्य नाइट्रोजेनिक बैक्टीरियों द्वारा किया जाता है। अब अमोनिया है, NH3 है, सपोज करिए NH3 है, अब इस अमोनिया का बदलाव हो जाए नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में बदल जाए, नाइट्रेट्स यानी NO2 में या NO3 में बदल जाए, तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। क्लियर, महत्वपूर्ण है क्योंकि अमोनिया गैस पौधे के लिए विषाक्त है, अमोनिया गैस क्या है, पौधे के लिए विषाक्त होती है, अतः उसका नाइट्रिफिकेशन, उसका बदलना बहुत जरूरी है। अमोनिया का ऑक्सीकरण, अब ये कैसे होता है, जब ऑक्सीजन के समीप में आएगा, अब NH3 ऑक्सीजन यानी O2 के करीब में आएगा, परिणाम स्वरूप इसमें बदलाव होगा और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदल जाएगा। तो ये विषाक्त गैस है, जहरीली गैस है अमोनिया, तो इसका एटमॉस्फेयर में जैसे ही ऑक्सीजन के साथ संलयन होगा तुरंत ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज हो जाएगा। अमोनियम का ऑक्सीकरण नाइट्रोसोमस नामक प्रजाति के बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण कैसे होता है, यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया का रोल अदा करता है, और बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनस, कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोमोनस नामक प्रजाति के बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये सब प्रश्न आता है कि किस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रिफिकेशन होता है, तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोसोमोनस नामक प्रजाति की बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण रोल है, जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में परिवर्तित करता है। अन्य जीवाणु प्रजाति भी जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट्स में ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार है। अभी नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, आगे कुछ और भी जीवाणु जैसे नाइट्रोबैक्टर, तो नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर, ये सब कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो बात समझ में आया कि भाई अमोनिया का नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना, नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए अगर हम देखें तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलने के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो नाइट्रोसोमोनस है, और नाइट्रेट का नाइट्रेट्स में बदलना, नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में बदलने के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे एग्जामिनेशन में पूछा गया। इसके बाद चर्चा करेंगे अनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, चौथा जो फिनोमेना है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में वापस परिवर्तित करना जिससे नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाएंगे। अभी आपने देखा यहाँ नाइट्रेट्स बने, देखिए नाइट्रेट्स में बदले, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स परिवर्तित हो रहे हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स अगर वापस नाइट्रोजन के स्वरूप में आ जाए तो जो मूल नाइट्रोजन था N2 की संरचना में वापस लौट आए, तो इसको कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन, वापस नाइट्रोजन को बनना, नाइट्रोजन का बनना।
जिसमें जिससे नाइट्रोजन का चक्र पूर्ण हो जाएगा, वो विकृत नाइट्रोजन चक्र या अनाइट्रीकरण भी कहते हैं, या प्रक्रिया बैक्टीरिया की प्रजातियों जैसे सूडोमोनस या पैराकोकस द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर भी देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है इसको नाइट्रेट्स को, यहाँ पर देखिए नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदलना है, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो सूडोमोनस या पैराकोकस जिम्मेदार है, सूडोमोनस या पैराकोकस। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल पर महत्वपूर्ण जानकारियां दिया, अच्छा लगा तो ठीक है, इसको आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके इसको लर्न जरूर करिए, एग्जामिनेशन भी जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में यहाँ पर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, गुड। तो मैंने यहाँ पर आपको नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स के विषय में बताया, तो याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो याद नहीं हो रहा। चलिए आप लोगों का एक मॉक टेस्ट दे देता हूँ। समझ रहे हैं सर? हाँ, देख रहा हूँ कि बहुत से लोग भाग जा रहे हैं क्लास से। ये ऑनलाइन क्लास में यही खराबी है कि मैं पकड़ नहीं सकता, मैं पढ़ा रहा होता हूँ कहाँ चले गए बाकी लोग, नेटवर्क का नाम लेकर लोग रोटी बनाने चले जाते हैं, घर के काम भी निपटाते रहते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कुछ ना कुछ बहाना करके निकल जाते हैं। यस सर, आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 16 बच्चे थे और अभी 8 बच्चे भी आ गए, सही काम। अभी मेरे क्लास में 66 बच्चे हैं और सब आ भी नहीं रहे, सब लोग जो है वो लॉकडाउन और अनलॉक मना रहे हैं। चलिए आपका मॉक टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, सो आपको स्टॉप शेयर स्क्रीनिंग कर रहा हूँ। आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है मैं पूरा पूछूंगा पेज नंबर 14 तक, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग 5 मिनट में जो रिवीजन कर सकते हैं पेज नंबर 14 तक कर लीजिए। सर कल पूछिएगा। कल कहाँ आता है? सर आज छोड़ दीजिए, कल कर लीजिए। सर 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 ये अभी बहुत बोरिंग। सर आधे बच्चे चले, सर आधे बच्चे अकेले, आधे बच्चे पूरे, सर आधे ही बचेंगे। तो कंटिन्यू करें, मतलब आपका टेस्ट ना लें ना? नो सर, आगे बढ़ाते हैं। आपकी आपका आपकी बातों का सर थोड़ा सा स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन साइकिल के विषय में, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों रिजर्वों में आयनों, ऑक्साइड्स और अणुओं में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बीच ऑक्सीजन परमाणुओं का जैव रासायनिक संक्रमण। ऑक्सीजन साइकिल इज द बायोजियोकेमिकल ट्रांजिशंस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन आयंस, ऑक्साइड्स एंड मॉलिक्यूल्स बिटवीन द डिफरेंट स्फीयर्स रिजर्व्स ऑन द अर्थ। अब इसमें ऑक्सीजन के विषय में पहले थोड़ी चर्चा करने की, व्हाट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार पृथ्वी में व्याप्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार क्रस्ट और मेंटल के सिलिकेट। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मात्रा कहाँ मौजूद है? तो ऑक्सीजन की जो सबसे बड़ी मात्रा है वो पृथ्वी के कोर में
यानी पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल के सिलिकेट और नहीं क्रस्ट और मेंटल में पाए जाने वाले सिलिकेट और ऑक्साइड के खनिजों के भीतर है। विमुक्त ऑक्सीजन के अलावा अतिरिक्त ऑक्सीजन सतह में फैले विभिन्न स्वरूपों के अणुओं में जैसे बायोमास, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्राइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O2, that is hydrogen peroxide, ozone, hydrogen sulfur oxide, magnesium oxide, calcium oxide, aluminium oxide, silicon oxide, plutonium, lead oxide के अणुओं में व्याप्त है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो कई एक क्षेत्रों में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है विमुक्त रूप से विभिन्न गैसों के साथ निश्चित रूप से वायुमंडलीय मुक्त ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत प्रकाश संश्लेषण है, यानी फोटोसिंथेसिस है, जो शर्करा यानी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में मुक्त ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन आया कहाँ से, तो इस संबंध में जो मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बताया कि ऑक्सीजन की मात्रा या गैसेस पृथ्वी पे हो सकता है बाहर से किसी भूमिकेतु या किसी ग्रह राशि के माध्यम से पृथ्वी के आसपास से कोई ग्रह गुजरा हो या धूमकेतु गुजरा हो, पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन उस प्रकार से आना हो सकता है। अतः पृथ्वी ने अपने मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल की वजह से उन गैसेस को पृथ्वी पर ला लिया हो और पृथ्वी पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सी गैसेस आ गई। जाहिर सी बात है इनका स्वरूप इनके रिएक्शन से पानी का भी पनपना हो सकता है और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवों का पनपना हुआ। अब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यहाँ पर इस ब्रह्मांड की बहुत अधिक जानकारी मनुष्य के पास नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं और पृथ्वी जैसे और भी ग्रह होंगे तो और भी जीव हो सकते हैं। खैर, ऑक्सीजन के आने का ये कारण हो सकता है। ऑक्सीजन के स्वरूप में बदलाव भी हो सकता है और उसी स्वरूप के बदलाव के तहत उसका वापस बदलाव होने के बाद उसका वापस ऑक्सीजन के रूप में बदलना, निर्मित होना, ये ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। इसी प्रक्रम में ओजोन भी एक ऐसी गैस है जो एक प्रकार से ऑक्सीजन की पूर्ण मॉलिक्यूल्स या तत्वों का पूर्ण ना होने को दर्शाता है। ओजोन जिसकी संरचना O3 के रूप में मानी जाती है, O3 यानी ऑक्सीजन O2 है परंतु ओजोन क्या है, O3 है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके मॉलिक्यूल्स कंप्लीट नहीं, इसलिए ये अनसैचुरेटेड गैस हुआ, यानी एक प्रकार से अतृप्त गैस है और इसकी डेंसिटी ऑक्सीजन की तुलना में हल्की है, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऊपरी सतह पर निकल जाता है और इसीलिए ये स्ट्रेटोस्फीयर में विद्यमान हो गया और पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी की को एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करने लगा। ऑक्सीजन का जितना रोल पृथ्वी पर है जीवन को देने के लिए, उतना ही ओजोन का रोल पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए है, क्योंकि ओजोन जो कि समताप मंडल में विद्यमान एक पट्टी है जो पृथ्वी की सतह के कुछ ऊपर पाई जाती है, वो सूर्य से आने वाली परावैद्युत किरणों को काफी हद तक अवशोषित कर लेते हैं और काफी हद तक उसे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। मात्र 2-3% की परावैद्युत किरणें पृथ्वी पे आ सकती हैं और लगभग 97-99% तक अवशोषित होकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर ताप व्यवस्था भी बनी रहती है और पृथ्वी पर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर विद्यमान जीवों पर रक्षा होती है। वायुमंडल ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण सप्ताप मंडल के भीतर ओजोन और ओजोन परत का निर्माण हुआ है। ओजोन ऑक्सीजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ओजोन लगातार पृथ्वी के सप्ताप मंडल में पुनर्जीवित होता है जो परावैगनिक किरणों को गर्मी में परिवर्तित करता है। 1930 में सिडनी चैपमन ने इस रासायनिक विद्या की खोज की और इस प्रक्रिया को आमतौर पर वायुमंडलीय वैज्ञानिकों द्वारा चैपमन चक्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ओजोन एक अनसैचुरेटेड एलिमेंट जरूर है लेकिन ये हमारी रक्षा कर रहा है और एक प्रकार से हमें पृथ्वी को एक सुरक्षा चक्र का कार्य कर रहा है। अब पृथ्वी की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न ऐसे अनसैचुरेटेड तत्व जो कि ऊपर की ओर अंतरिक्ष में निकलते हैं, समताप मंडल में पहुंचते हैं,
वो ओजोन के साथ रिएक्ट होते हैं, क्योंकि ओजोन अपने आप में एक असंतृप्त गैस है, और इसलिए जाहिर सी बात है कोई भी और असंतृप्त तत्व यहाँ पहुंचेगा तो ये ओजोन तुरंत ही उसके साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। ऑक्सीजन में परिवर्तित होते ही ये पृथ्वी की सतह पर वापस लौटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होगा और ओजोन हल्का होता है। ऑक्सीजन भारी होगा अब पृथ्वी की सतह पर वापस आएगा, और ये अच्छा है कि ओजोन ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी बढ़ेगा, लेकिन अगर इस प्रकार से देखा जाए तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर ओजोन की संख्या घटेगी, और ओजोन की संख्या अगर घटेगी तो अल्ट्रावायलेट किरणों की मात्रा संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगेगी। अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर ज्यादा हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगेगा और उसके बाद जीवन को नुकसान होगा। ओजोन की अधिकांश उत्पादन अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय समताप मंडल और मीजोस्फीयर में होता है। दुनिया भर में प्रति दिन उत्पाद उत्पन्न ओजोन का कुल द्रव्यमान लगभग 400 मिलियन मेट्रिक टन है। ओजोन का वैश्विक द्रव्यमान लगभग 3 बिलियन मेट्रिक टन है, जिसका अर्थ है कि सूर्य हर दिन लगभग 12% ओजोन परत का उत्पादन करता है। सूर्य के द्वारा यहाँ पर विभिन्न रिएक्शन के माध्यम से ओजोन का निर्माण होता है, और इस प्रकार से ओजोन एक घटना के रूप में निर्मित होती रहती है। लेकिन हमारे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक घटनाओं, औद्योगिक क्रियाओं और इंडस्ट्रियल क्रियाओं के वजह से विभिन्न ऐसे अनसैचुरेटेड गैस जो कि ओजोन मंडल में पहुंचती हैं, ओजोन को तोड़ रही हैं, जिससे कि लगातार ओजोन की इस परत का क्षय हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओजोन के इस मंडल में ओजोन के घटने से जीवन को खतरा बन गया है, परिणाम स्वरूप लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से अकस्मात बारिश हो जाना, बेमौसम तमाम प्रकार की बेमौसम बारिश, और ये भी कहा जाए कि तमाम प्रकार से एटमॉस्फेयर में बदलाव एनालिसिस या कहा जाए विभिन्न प्रकार के नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ओजोन के में इस प्रकार से हो रहे क्षति को अगर देखें तो जितना हो सके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का प्रयोग कम करें। आज देखा जाता है कि एसी या फोटोकॉपी मशीन से निकलने वाले जो गैसेस हैं वो ओजोन के लिए खतरनाक है। ओजोन गैस को डिप्लीट करते हैं, ओजोन गैस के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के गैसेस में बदलते हैं, जिससे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन के अन्य तत्वों की मात्रा जरूर बढ़ती है, लेकिन ओजोन की मात्रा समताप मंडल में घटना हमारे लिए नुकसान। मैंने आपको इस वीडियो में ओजोन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल और ओजोन के विषय में बताया। धन्यवाद सर। इस तरह भी जैसे अभी आपने लास्ट में कहा कि बेमौसम बरसात या बारिश की मात्रा में अधिकता या कमी ओजोन के कारण है, तो ये भी एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है क्या? ज्यादा अगर कम बरसात हो रही है तो उसका कारण कौन सी गैस है? बहुत कुछ गैसेस अभी मैं आपको सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सब पढ़ाऊंगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाऊंगा, सारे गैसेस के विषय में यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अभी जैसे कार्बन एमिशन इस समय आप देखिए तो बहुत घट गया है, क्योंकि गाड़ियां अनलॉक या लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही कम गाड़ियां चल रही थी, कार्बन एमिशन इतना घट गया था कि प्रकृति में सुधार दिखने लगा। लेकिन ये कार्बन एमिशन, ये तमाम चीजों के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में ओजोन को बहुत बड़ा खतरा, और ओजोन लेयर टूटता चला जा रहा है। ये देखा जा रहा है लगभग 33% ओजोन घट रहा है। अगर 33% ओजोन घट रहा है तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले संतति के लिए, प्रकृति के दृष्टिकोण से बड़ा नुकसान है। और इसी वजह से एटमॉस्फेयर लेवल में ग्लोबल वार्मिंग लगातार हो रहा है और एटमॉस्फेयर का क्षय हो रहा है। आसने? जी सर। चलिए, आज ही मैंने आपको ओजोन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल बताया। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ओजोन पे और सरफेस लेवल ओजोन, यानी ओजोन का एक दूसरा स्वरूप भी है जो भौम स्तरीय ओजोन कहा जा सकता है, उन सब संबंध में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूँ। ठीक है।